तो साथियों चलते हम लोग आज का सेशन अपना इस पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें साथियों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस सेशन में हमने जितने भी प्रश्न को रखा है सब के सब उत्तर प्रदेश पुलिस के किसी न किसी एग्जाम में एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट हुए हैं। सब के सब रिपीटेड प्रश्न है। तो साथियों आपका दायित्व तो बनता है, आप लोग वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा कंसेप्ट सीखेंगे जो एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपको मजबूती प्रदान करेगा। आप लोग ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व कर रहेंगे तो ऐसे ही प्रश्न आप लोग देखेंगे, बहुत सारा प्रश्न ऐसे देखने को आपको मिलेगा। तो साथियों पहले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि भारतेंदु नाट्य अकेडमी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, उसका स्थान और समय बताना है। तो साथियों आपको बता दें कि सरकार ने नाट्य कला को बढ़ावा देने के लिए 1975 में लखनऊ में भारतेंदु नाट्य एकेडमी की स्थापना की। तो विकल्प हमारा ए हो जाएगा, यही उत्तर है। तो चलते हम लोग अब दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ये सब के सब प्रश्न साथियों पूछे गए हैं यूपीपी के किसी न किसी एग्जाम में एक बार, दो बार। तो ये वाला दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है साथियों कि राम बारात महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। राम बारात महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो साथियों और कुछ लोगों को लगेगा राम है तो अयोध्या होगा, नहीं, ये आगरा है। विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा, यही उत्तर है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग, चलते हैं तीसरा वाले में, हमसे क्या पूछ रहा है। तीसरा वाले में साथियों कह रहा है कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध ठुमरी गायिका, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी, जो प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी है, उनका जन्म किस शहर में हुआ था, उस शहर का आपको नाम बताना है। तो साथियों इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म स्थान वाराणसी है। आगे चले हम लोग देखते हैं चौथे वाले में, सबके सब प्रश्न साथियों एक से बढ़कर एक हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। देखिए क्या करा है चौथे में, करा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बटेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है, यानी बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में या किस शहर में लगाया जाता है। साथियों बटेश्वर मेला भी उत्तर प्रदेश के आगरा में लगाया जाता है, विकल्प नंबर हमारा ये हो जाएगा, ताज नगरी आगरा में, विकल्प बी। आगे देखें हम लोग पांचवे में, पांचवे में साथियों पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की पूर्वी क्षेत्र, जिसे हम लोग पूर्वांचल कहते हैं, कि लोक भाषा, यानी उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वांचल है, वहां की लोक भाषा यानी आम बोल भाषा में उसमें कौन सी भाषा हम लोग प्रयोग करते हैं। तो साथियों भोजपुरी है, सब लोग जानते हैं, विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा। और जैसे ही पूर्वांचल से थोड़ा सा आप इलाहाबाद साइड आएंगे तो आपको वहां अवधी मिल जाएगी, थोड़ा सा अवधी से और थोड़ा सा पीछे जाएंगे झांसी उसी की तरफ, तो वहां बुंदेलखंडी मिल जाएगी। तो इस तरह से बटा हुआ है, तो पूर्वांचल हो गया उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल हो गया, या बिहार का जो पश्चिमी हो गया, वहां पर ये भोजपुरी बड़े मात्रा में बोली जाती है, वहां की लोक भाषा है। आगे बढ़े हम लोग देखते हैं छठवें में, हमसे पूछ रहा है साथियों छठवें वाले प्रश्न में, तो छठवें में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय कथक संस्थान, राष्ट्रीय कथक संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो साथियों लखनऊ में है, विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, राष्ट्रीय कथक संस्थान ये लखनऊ में है, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आगे देखते हैं सातवें में हम लोग, सातवें में साथियों हमसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले आयोजित होते हैं, सबसे कम मेले उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगते हैं, सबसे कम मेले। तो साथियों जब सबसे कम मेले आपसे पूछे उत्तर प्रदेश के, मतलब किस जिले में सबसे कम मेला लगता है, तो आप लोग पीलीभीत बताएंगे, विकल्प नंबर बी हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगर आपसे पूछे सबसे अधिक कहाँ लगता है, सबसे अधिक मेला जो है, तो उसको आप बता देंगे मथुरा में, मथुरा में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं, तो आप लोग यही बताएंगे। आगे चले हम लोग देखते हैं आठवें में क्या पूछ रहा है हमसे, आठवें में साथियों हमसे पूछा जा रहा है मकर संक्रांति, हम लोग यहाँ लगभग 14 या 15 जनवरी को मनाई जाती है, तो उसी मकर संक्रांति के दिन साथियों से रिलेटेड प्रश्न है। मकर संक्रांति के अवसर पर, यानी जिसे हम लोग आम बोलचाल भाषा में खिचड़ी भी कहते हैं, तो मकर संक्रांति के अवसर पर प्रसिद्ध खिचड़ी मेला
तो खिचड़ी मेला, खिचड़ी के दिन लगता है, कहाँ लगता है? गोरखपुर में लगता है। विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, ये वाला। आगे बढ़ जाए हम लोग साथियों, सभी के सभी ऐसे ही प्रश्न आपसे जीएस जीके में पूछा जाएगा। अगर आप ऐसे ही प्रश्नों से परिचित रहेंगे तो यहाँ पर मैंने वही रखा है जो मेला हो गया या फिर वहां का कुछ स्थानीय मतलब कल्चर के हो गया, वही सबसे रिलेटेड प्रश्न हमने रखा है। तो हर सेशन में हमारा एक एक टॉपिक से प्रश्न रहता है। तो आगे देखें हम लोग, कह रहा है 1583 ईस्वी में निर्मित इलाहाबाद के किले का निर्माण करवाया था। तो साथियों, इलाहाबाद का जो किला है, जहां पर आप लोग जाएंगे, अगर कोई आप लोग वहां गए होंगे, जो बड़े हनुमान है उसी के बगल में है इलाहाबाद का किला। तो इलाहाबाद के किला 1583 ईस्वी का बना है, और वहां पर जाएंगे, एक पातालपुरी मंदिर भी बना है उस किले पर। तो 1583 में जो इलाहाबाद का किला बना है, कौन बनवाया था इसे? अकबर ने इसे बनवाया था। विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा। आप वहां जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें वहां लिखी मिलेंगी, आप लोग समझ जाएंगे। तो दसवां देखते हैं हम लोग अब। अगर दसवां देखते हैं हम लोग क्या है, कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उर्दू भाषा के विकास के लिए, यानी यूपी सरकार के द्वारा उर्दू भाषा के विकास एवं उसके प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना कब की गई? तो साथियों, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना उर्दू भाषा के विकास प्रचार प्रसार के लिए किया गया, कब किया गया? तो 72 में किया गया। विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगर यही हिंदी पूछा होता तो आप 76 लगाते तब, लेकिन ये उत्तर हमारा बी हो गया, सी हो गया। आगे देखते हैं हमारा 11वां में। देखें 11वां में हमसे क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं, तो लोक उत्तर प्रदेश का जो मुख्य लोकगीत है वो क्या है यहाँ पर? तो साथियों, आप लोग देखते होंगे ये उत्तर प्रदेश का मुख्य जो लोकगीत है वो बिरहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत बिरहा है, जो भोजपुरी में ज्यादातर ये गाया जाता है बीर रस के माध्यम से, और चैती है फसल कटाई के समय गाया जाता है, ढोला है। तो विकल्प नंबर डी हमारा यही होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। आगे चले हम लोग 12 में, देखते हैं क्या है करवाया रहे साथियों 12वें में। 12वें में करा है लखनऊ में स्थित कैसर बाग का निर्माण, लखनऊ में जो कैसर बाग है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो साथियों, उसका निर्माण जो है ये वाजिद अली शाह, विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा, वाजिद अली शाह ने करवाया था कैसर बाग का निर्माण लखनऊ में। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कैसर बाग कहाँ है, तो बता दीजिएगा लखनऊ। 13 में हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है? तो लकड़ी की नक्काशी के लिए साथियों सहारनपुर है उत्तर प्रदेश का जिला, विकल्प नंबर हमारा ये बी हो जाएगा, सहारनपुर। देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, ऐसा भी पूछ सकता है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला बताइए, तो आप लोग सहारनपुर बताएंगे, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं हम लोग, तो अगर आपसे यहाँ मुरादाबाद भी पूछ सकता है, तो ये पीतल के लिए प्रसिद्ध है, पीतल के सामान वामान, मेरठ तो खेल का सामान हो गया, तो ऐसे भी आप बता देना। 14 में देखते हैं क्या है, 14 में साथियों फरुहाई लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो यहाँ जो फरुहाई लोक नृत्य पूछ रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो इसको हमें बताना है। तो साथियों, ये अवध में प्रचलित है, अवध क्षेत्र में, विकल्प नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 15 में, तो 15वें में क्या पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे संगीत कला के आगरा घराने का जन्मदाता माना जाता है? तो किसे संगीत कला के आगरा घराने का जन्मदाता माना जाता है? तो आगरा घराने के जन्मदाता साथियों हाजी सुजान खान, विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, ये हाजी सुजान खान को संगीत कला के आगरा घराने का जन्मदाता माना जाता है। देखें 16 में, 16 में साथियों कजरी, कह रहा है कजरी विशेषकर, कजरी विशेषकर
किस ऋतु में गाया जाने वाला एक लोकगीत है? साथियों में मालूम है उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रचलित लोकगीत कजरी है, जो कजरी बरसात के समय गाई जाती है। तो आप लोग सुने होंगे, अगर गांव के होंगे, छोटे छोटे रहे होंगे, तो यह ज्यादातर शाम को बरसात में ये गाया जाता था। ये विकल्प नंबर हमारा डी हो जाएगा, वर्षा ऋतु में। आगे देखें, आगे साथियों हमसे पूछ रहा है 17 वाले में, अजराड़ा घराना मुख्यतः किससे संबंधित है? तो साथियों तबला वादन से संबंधित है अजराड़ा घराना, हमारा विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग 18 में, इसमें हमसे पूछ रहा है साथियों, ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, अभी ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न, एक एग्जाम नहीं कई सारे एग्जाम में। तो इसमें महान गायिका लता मंगेशकर ने अमान अली खान से संगीत की शिक्षा ली थी। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है, लता मंगेशकर के गुरु कौन है जिनसे वो शिक्षा ली थी? तो अमान अली खान, तो लता मंगेशकर ने अमान अली खान से संगीत की शिक्षा ली थी। अमान अली खान किससे संबंधित थे? तो साथियों ये भिंडी बाजार से संबंधित थे, भिंडी बाजार घराना से, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 19 वाला हम देखें, तो 19 वाले में साथियों हमसे पूछ रहा है, कौन सी कृति विश्वनाथ मेहता की है? तो विश्वनाथ मेहता की कौन सी कृति है? प्यासा ऊंट, विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा ये। आगे देखिए हम लोग 20वें वाले में क्या हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यानी तीन गलत हैं एक सही है, उसी सही को बताना है हमें। तो साथियों उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान 1991 या कहीं कहीं मिलेगा, या किसी बुक में आपको 1990 मिल जाएगा। तो ये अमूमन सही है कि नहीं है, अभी हम छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं ये, यानी तीन में से एक ही सही है। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान साथियों 81 दिया है, 81 नहीं है, यह 1986 है। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान की स्थापना 1986 में हुआ था। अयोध्या शोध संस्थान साथियों यह 1996 में नहीं हुआ था, अयोध्या शोध संस्थान जो था ये भी 1986 में ही हुआ था। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो कौन सा सही है? आगे देखते हैं, ये डी वाला देखते हैं सही है कि नहीं। तो डी वाले में साथियों जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना 1996 में हुआ था, 86 में नहीं हुआ था, तो 1996 में हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब यही हमारा सही है, कहीं कहीं 91 कहीं कहीं 90 देख को मिलता है। तो मैंने आपको डिटेल से सारी सूचनाएं दे दी, तो आप कोई भी आपसे पूछेगा तो आप बता ले जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग 21 में, 21 में साथियों हमसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में बताना है। तो कौन सा सेट हमारा बन रहा है? घूमर साथियों, ये तो राजस्थान आ जाता है, गरबा गुजरात, तो ये गड़बड़ हो गया, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें तो दूसरे राज्यों का आ गया, चरकुला, कर्मा, पांड, तो ये है कि नहीं है। अब देखिए लावड़ी, ये तो महाराष्ट्र की आ गई, ये भी सेट गड़बड़ हो गया। भांगड़ा जो है गुजरात का है, ये भी गड़बड़ हो गया। तो इसका मतलब हमें क्लियर नहीं था, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा क्लियर था एलिमिनेशन के माध्यम से हमने पता लगा लिया कि यही है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य, चरकुला, कर्मा, पांडव, बी हमारा उत्तर हो जाएगा, हमने पकड़ लिया क्योंकि इसमें घूमर देखकर तो हमने पकड़ा कैसे, इसमें घूमर देखा, ये राजस्थान, ये बांगड़ा पंजाब, और ये लावड़ी महाराष्ट्र, तो ये इसका मतलब हमने पता लगा लिया कि ये सब गलत होंगे, सही यही वाला होगा। देखें हम लोग 82 में, सॉरी 22 में, कौन सा विकल्प सत्य है, तीन गलत हैं एक ही सही है, उसी सही को बताना है। तो साथियों कैसे बताएंगे आप लोग सही है? तो देवी पाटन मेला साथियों फर्रुखाबाद में नहीं लगता है, ये लगता है बलरामपुर में, यहां याद रखिएगा बलरामपुर में लगता है देवी पाटन मेला। कांपिल्य मेला कहाँ लगता है साथियों? ये फर्रुखाबाद में लगता है, याद रखिएगा। तो सारी दोनों चीजों जो गलत है मैंने उसको बता दिया, तो ये गलत दे दिया था आपको, मैंने सही बता दिया, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, कांपिल्य भी गलत था,
ये फर्रुखाबाद होना चाहिए था। बटेश्वर मेला ये पहले भी अभी आया था, मैंने बताया था बटेश्वर मेला आगरा में ही लगता है, तो ये सही है, सी वाला हमारा यही उत्तर होगा। और ददरी मेला साथियों ये भी बलिया में लगता है, ये भी सही है, यहाँ दो दो सही दे दिया है, तो यहाँ डी वाला भी सही है क्योंकि ददरी मेला जो है ये बलिया में लगता है, तो दोनों सही है यहाँ पर, तो इसमें से एक गलत को होना चाहिए था, तो मैं आपको बता दिया, फिलहाल आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखें 23 में, 23वें में साथियों पूछ रहा है हमसे, पूर्वी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सी उपबोली शामिल की जाती है। तो साथियों अभी मैंने ये बताया था जो पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का एकदम पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर तो थोड़ा भोजपुरी आती है, लेकिन आप लोग जैसे ही थोड़ा सा पूर्वी में ही थोड़ा सा पीछे आएंगे तो आपको वहाँ अवधी बघेली ये सब मिल जाएंगे, तो अवधी और बघेली भोजपुरी नहीं दिया है तो यही दोनों लगाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र भी जो जौनपुर हो गया, बनारस हो गया, आजमगढ़, ये सब भी पूर्वांचल में आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको भोजपुरी हल्का सा फ्लेवर रहेगा, लेकिन उसके साथ अवधी और बघेली भी रहता है, तो विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा, 23 का बी। 24 का देखते हैं हम लोग, 24 में क्या कह रहा है हमें, देखते हैं 24वां वाले में, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस स्थान को छोटी फिल्म सिटी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान को छोटी फिल्म सिटी की संज्ञा दी जाती है, तो किसकी दी जाती है साथियों, नोएडा को, नोएडा में ही बन रही है फिल्म सिटी, तो ये इसी को नोएडा को ही कहा जाता है, विकल्प ए हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं हम लोग 25, 25वें में साथियों हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तभी मैंने बताया था उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार के लिए उर्दू अकादमी की स्थापना जो हुई थी वो 72 में हुई थी, लेकिन हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना उसके 4 साल बाद, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, 76 में की गई थी, विकल्प बी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 26 में, आपको मालूम है साथियों आगरा, इलाहाबाद का किला और आगरा का किला ये अकबर ने ही बनवाया था, ऐसे आगरा का किला, ऐसे अकबर, डी हो जाएगा हमारा उत्तर, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़े 27 में साथियों, हमसे पूछ रहा है ये प्रश्न, क्या पूछ रहा है, कर्मा लोक नृत्य, कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला है, यानी कर्मा लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है उसे बताना है, तो कर्मा साथियों यह मध्य प्रदेश से सटा हुआ, ये सोनभद्र जो है सोनभद्र से है, विकल्प नंबर डी हमारा ये उत्तर होगा, सोनभद्र एक और जिला फेमस है, इसलिए यह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, वो 4 राज्य जानते हैं आप लोग साथियों कौन कौन सा है, एक तो बिहार हो गया, दूसरा झारखंड हो गया, दूसरा झारखंड हो गया, तीसरा जो है छत्तीसगढ़ हो गया, और चौथा एमपी हो गया, मध्य प्रदेश, कौन हो गया, एमपी, 4 जिलों से सीधा सीमा साझा करता है, सोनभद्र को उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी बोली जाती है क्योंकि यहाँ बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं, कोयला वगैरह। आगे देखें हम लोग 28 में, 28वें में क्या है साथियों, उत्तर प्रदेश में प्राप्त स्थापत्य कला सर्वाधिक प्राचीन अवशेष किस काल से प्राप्त हैं, तो साथियों उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष मौर्य काल से प्राप्त हैं, विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा। 29 देखें, 29 जौनपुर में शाही पुल, साथियों जौनपुर में जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला जो पूर्व का सिराज कहा जाता है, तो शाही पुल का निर्माण किसने करवाया था, तो साथियों वो शासन था अकबर का, लेकिन करवाया था अकबर का ये बहुत प्रिय जो है ये मुइनन खान खाना, विकल्प नंबर हमारा ये सी हो जाएगा, यही करवाया था, तो 29 का हमारा उत्तर यही सी हो जाएगा, मुइनन खान खाना ने करवाया था। आगे देखते हैं हम लोग 30 में क्या है,
तीस वाले में ये क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला गुप्तकालीन वह मंदिर जो शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है। तो साथियों, गुप्तकालीन मंदिर जो शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है, उत्तर प्रदेश के जो है ये ललितपुर में, ललितपुर का दशावतार मंदिर हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा। ये देवगढ़ जो ललितपुर में है, तो ललितपुर आप लोग जानते हैं ये मध्य प्रदेश में जो है तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो देवगढ़ का ललितपुर दशावतार मंदिर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो तीन गलत हैं, एक सही है, उसी सही को पकड़ना है हमें, सॉरी जो गलत है उसे पकड़ना है। तीन सही हैं, एक गलत है, उसी गलत को पकड़ना है हमें। तो चले हम लोग कैसे पकड़ेंगे, तो यहां साथियों भवानी चरण गुई, ये भवानी चरण गुई दिया है, तो ये जो है रामलीला से संबंधित है, एक तरफ नाम दिया है और एक तरफ उनकी जो है ये कृति दी हुई है। तो भवानी चरण गुई जो है वो रामलीला से संबंधित है, और रणवीर सिंह बिष्ट जो है साथियों ये पहाड़ी घसियारे से संबंधित है, और ललित मोहन सेन शबीब चित्र से संबंधित है। तो नंद किशोर शर्मा जो साथियों हैं ये काशी शैली पर ये इससे संबंधित नहीं है, यही गलत होगा हमारा, विकल्प नंबर ये डी हो जाएगा, ये जो है इससे संबंधित नहीं है। ये जो है चीनी मिट्टी, नंद किशोर शर्मा जो है चीनी मिट्टी के जो सामान बनाए जाते हैं उससे संबंधित है। आगे चले हम लोग 32 देखते हैं। 32 वाले में निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख नाटक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख नाटक आप लोग जानते हैं साथियों, फेमस नाटक है, आप लोग पढ़ते आए होंगे, मालूम होगा, भारत दुर्दशा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, भारत दुर्दशा, यही भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रमुख नाटक है। आगे देखते हैं, भारतीय संगीत का प्राचीनतम प्रमाण है, तो भारतीय संगीत का जो प्रमाण मिलता है सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में, तो साथियों आप लोग पढ़े होंगे सामवेद में ही मिलता है, विकल्प नंबर बी, इसी में गायन शैली का वो मिलता है हमें प्रमाण। 33 का हमारा उत्तर बी हो गया। आगे देखते हैं हम लोग 34 में, तो 34 में साथियों ये हमें पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, तो तीन भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, एक नहीं है, उसी को बताना है। तो साथियों ये भारत माता है, यह सुमित्रा नंदन पंत का है, ये भारत माता, तो यही नहीं है, यही उत्तर होगा, बाकी ये तीनों जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये नाटक है, रचना है, तो ए वाला हमारा उत्तर हो जाएगा, भारत माता सुमित्रा नंदन पंत की। 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है साथियों, देवी पाटन, देवी पाटन साथियों यह जो मतलब जो सही नहीं है उसे पकड़ना, यानी जो गलत है, तो तीन तो सही है, तो देवी पाटन ये जो है ये बलरामपुर से संबंधित है, ये तो सही है। कालिंजर दुर्ग, ये कालिंजर दुर्ग साथियों ये हमारा, ये कालिंजर दुर्ग जो है पहले हम इसको देख रहे हैं, चक्रतीर्थ ये नैमिषारण्य सीतापुर से संबंधित है, कादमगिरी पर्वत, कादमगिरी पर्वत साथियों यह चित्रकूट में, ये भी सही है, तो गलत साथियों यही है, कालिंजर दुर्ग जो है यह चित्रकूट से संबंधित नहीं है, तो विकल्प नंबर बी ही हमारा गलत था, क्योंकि हमें मालूम है ये तीनों तो कंफर्म है, हमें ये तीनों सही है, तो बी ही वाला गलत होगा। आगे चल रहे हम लोग 36 में, तो 36 वाले में हमसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर निम्नलिखित में से किस जिले से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो उत्तर प्रदेश का जो कानपुर नगर है साथियों वो लखनऊ से अपना सीमा साझा नहीं करता है, जैसे ये कानपुर नगर हो गया और बीच में देखेंगे आप ऐसे उन्नाव आ गया है, तो बीच में उन्नाव उधर फिर लखनऊ आ गया है, इधर लखनऊ, इधर उन्नाव, इधर कानपुर, तो ये लखनऊ से सीमा साझा नहीं करता, जबकि यह कानपुर से उन्नाव, कन्नौज, फतेहपुर जो है सीमा साझा करता है,
लेकिन यही लखनऊ नहीं करता, विकल्प नंबर सी यही हो जाएगा क्योंकि लखनऊ उसके बाद है। आगे देखते हैं हम लोग 37 में। 37 में आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान पर जेके मंदिर स्थित है, तो कौन से स्थान पर जेके मंदिर स्थित है उत्तर प्रदेश में, ये बताना है 37वें में हमसे ये पूछ रहा है। तो कानपुर में विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा। आगे देखें 38 में, अकबर द्वारा किसके सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने, करवाया था तो किसके सम्मान में करवाया था ये बताना है हम। तो साथियों आप लोग को मालूम है शेख सलीम चिश्ती इन्हीं के पूजा पाठ से, इन्हीं के यहाँ मनौती माना था, तो अकबर के बेटा हुआ था, तो इनका अकबर बहुत सम्मान करता था, इन्हीं सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। आगे देखें हम लोग 39, तो इसमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, चार जोड़े हैं तीन गलत है, उन जोड़ों में से एक सही है, उसी सही को पकड़ना है आपको। तो देखें गिरजा देवी जो है, अभी ये आया था मैं आपको बताया था, गिरजा देवी यह बनारस घराना से संबंधित है साथियों, यह बनारस घराना से संबंधित है। पंडित यशपाल साथियों यह आगरा घराना से संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, अभी सही हमको नहीं मिला है क्योंकि हमें सही को पकड़ना है। तो भीमसेन जोशी यही सही है साथियों, यह किराना घराना से संबंधित है, यही हमारा सही है। और ध्रुव तारा जोशी यह जो है, यह ध्रुव तारा जोशी ये भी गलत हो गया है। तो हमारा यहाँ 39 जो है, ये 39 में 39, हाँ 39 वाला ये जो है विकल्प नंबर हमारा सी सही होगा। तो हम चले हम लोग 40 वाला देखते हैं प्रश्न अपना, 40 में क्या कह रहा है। तो 40 वाला में हमसे पूछा जा रहा है 40 में कि पूर्वांचल की लोक गायन परंपरा बिरहा, हमें मालूम है उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल एरिया है और या तो हम कह लें बिहार का जो पश्चिमी एरिया है, वहां पर बिरहा का गायन होता है, जो बीर रस में चीजों को गा गा के बताया जाता है किसी इवेंट को। तो पूर्वांचल की लोक गायन परंपरा बिरहा का गायन किस रूप में किया जाता है, तो भोजपुरी में साथियों, विकल्प नंबर बी अमूमन भोजपुरी में। इसमें कुछ अवधी और ये सब खड़ी बोली वगैरह मिक्स कर दिया जाता है, लेकिन इसमें देखेंगे कि 70% लगभग भोजपुरी में ही होता है। देखें हम लोग 41 में, उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान की स्थापना की गई थी, तो उत्तर प्रदेश में संस्कृति संस्थान की स्थापना कब की गई थी साथियों, तो उत्तर प्रदेश ये हो जाएगा हमारा 1950 में हो जाएगा, 1950 में की गई थी, जो बी है। तो ये उल्टा सी यहाँ होना चाहिए था, बी यहाँ, चलिए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप याद रखिएगा यही वाला 1950 में। 42 में इसमें साथियों क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवधी भाषा का प्रमुख क्षेत्र नहीं है, तो अवधी भाषा का प्रमुख क्षेत्र कौन सा नहीं है उत्तर प्रदेश के जिलों का नाम दिया है। तो साथियों अमेठी, ये महाराजगंज देख रहे हैं आपको आंख से दिखाई दे रहा होगा, महाराजगंज यह बिहार से सटा हुआ है और साथ ही साथ यह जो है नेपाल से भी सटा हुआ, उत्तर प्रदेश का महाराजगंज एक ऐसा जिला है जो नेपाल से भी सीमा साझा करता है और बिहार से भी सीमा साझा करता है। तो ये महाराजगंज में शुद्ध लगभग बिहार की तरह ही भोजपुरी बोली जाती है, अवधी भाषा यहाँ नहीं बोली जाती। अवधी बलरामपुर रायबरेली अमेठी में आपको अवधी भाषा मिल जाएगा, लेकिन महाराजगंज में आपको लगभग शुद्ध भोजपुरी मिलेगा क्योंकि ये पूर्वांचल का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। तो बी हमारा यही उत्तर होगा। 43 में क्या है, 43 में आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम फिल्म नीति की घोषणा कब की गई थी, तो प्रथम फिल्म नीति उत्तर प्रदेश में ये 1999 में की गई थी, 1999 में, ए हो जाएगा उत्तर। 44 में हमारा कौन सा हो गया, 43, 44 में क्या पूछ रहा है हमसे, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश यूपी संस्कृति विभाग के द्वारा अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। तो
तो अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना, अभी मिलाने वाला सवाल आया था, मैं आपसे चर्चा किया था इसके बारे में साथियों, 1986 में किया गया था, विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा। आगे देखें 45 में क्या है, अशोक काल में जो अहरौरा अभिलेख है साथियों, वो कह रहा है किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हुआ है, विंध्याचल नगरी, तो बी हो जाएगा हमारा, अहरौरा अभिलेख जो अशोक काल से संबंधित है मिर्जापुर से। तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी की संज्ञा दी जाती है, तो औद्योगिक राजधानी की संज्ञा उत्तर प्रदेश के किस जिले को दी जाती है साथियों, कानपुर नगर को, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 47 में, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चार विकल्प है, कौन सा सुमेलित नहीं है उसी को पकड़ लीजिए। अभी मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का ऊर्जा की राजधानी सोनभद्र है, क्योंकि वहां पर कोयला वगैरह बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ए वाला जो है ये तो सही है, लेकिन हमसे वो पत्र पूछ रहा है उसको आप बताइए जो सही नहीं हो, अर्थात जो गलत हो, तो गलत तो नहीं है ये, सिराजे हिंद पहले बताया था, जो ये पूर्व का जो है सिराज, ये जौनपुर हो जाएगा, ये भी सही है, अभी भी हमें गलत नहीं मिला। कानखुब्ज कन्नौज से संबंधित है, तो एक तरह से जिलों का नाम है, और एक तरफ उधर लेफ्ट साइड में आपको उपनाम है, तो किस जिलों का उपनाम क्या है, और ये खलीलाबाद जो साथियों ने दे दिया है संत रविदास नगर, यही गलत होगा, क्योंकि ये तीनों हमें कंफर्म है, ये तीनों सही हैं, तो डी ही वाला गलत होगा, तो यहाँ हमारा जो उत्तर होना चाहिए वो डी है, खलीलाबाद संत रविदास नगर से संबंधित नहीं है, यही गलत होगा, क्योंकि ये तीनों सही हैं, तो स्वाभाविक सी बात डी वाला ही गलत होगा। 48 में, 48 में क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लखनऊ में चित्रकला की वाष्ट तथा नामक, सॉरी ये थोड़ा सा क्वेश्चन कटा हुआ है, हाँ यहाँ देखें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लखनऊ में चित्रकला की वाष्ट तथा टेम्पा नामक दो शैलियों की शुरुआत की गई, वाष्ट तथा टेम्पा नामक दो शैली की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, तो वो किसके द्वारा शुरू की गई है ये आपको बताना है साथियों, तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है साथियों, यह असित कुमार हल्दार, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा विकल्प नंबर ए। आगे चले हम लोग, 48 हो गया हम लोगों का, 49 देखते हैं, 49 में साथियों हमसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी साथियों इसकी राजधानी लखनऊ में है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के अंतर्गत लखनऊ में स्वायत्त शासी संस्था, छोटा हो जाए तो सही रहेगा, तो उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत लखनऊ में स्वायत्त शासी संस्था के रूप में राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना हुई थी, तो मैंने पहले बताया था साथियों आपसे शुरुआत में ही, राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना साथियों ये 88 या 89 के आसपास ये लखनऊ में हुआ था, ये संस्कृति विभाग के द्वारा, ये सी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ हम लोग कुल 50 प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश के ये कल्चर से संबंधित देखा, तो अगली वीडियो हम लोग मिलेंगे किसी अलग टॉपिक से, देखो हमने सिर्फ कल्चर से हमने 50 प्रश्न को लाया था, तो ऐसे प्रश्न जो है कई कई बार रिपीट हुए हैं, कई बार एग्जाम में आपके उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो अगली बार हम लोग किसी दूसरे या प्रशासनिक टॉपिक होगा या कोई और होगा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड उसको लेकर आएंगे। और हाँ ये हमने इसलिए बताया है साथियों, ये जो यूपीपी का है ये हर एक एग्जाम में आपका काम आएगा, ये जो हमने यूपी स्पेशल से संबंधित आपको टॉपिक पढ़ाया है तो ये हर एक एग्जाम से संबंधित है, आपको चाहे आरओ यारओ हो, यूपी स्पेशल हो, यूपी पुलिस या उससे रिलेटेड अन्य जो यूपी के एग्जाम है सबके लिए रामबाण है ये। तो चले हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।